नमस्ते, मैं हूँ पत्राली। वेलकम टू पत्रालीज किचन। आज मेरी किचन में बनने जा रही है स्वीट कॉर्न चाट, और ये बनाने के लिए हमें 5 से 7 मिनट लगेगा। स्वीट कॉर्न चाट बहुत ही हेल्दी एंड सिंपल रेसिपी है। यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्न 150 ग्राम, ऑनियन 2 टेबलस्पून, जिंजर 1 टीस्पून एंड 2 ग्रीन चिली। पैन गर्म हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बटर लिया है। आप चाहे तो बटर छोड़ के और कोई ऑयल ले सकती है, पर बटर से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब मैं इसमें स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। स्वीट कॉर्न को मैं 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न कॉर्न लिया है और ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ रहा है। जब तक ना ये पानी ड्राई हो जाए, तब तक हम हाई फ्लेम में कॉर्न को ऐसे फ्राई करते रहेंगे। कॉर्न को ऐसे फ्राई करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट लगेगा। कॉर्न अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच प्याज डाल दूँगी, और अभी लो फ्लेम में प्याज और कॉर्न को फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब मैं इसमें ये अदरक भी डाल दूंगी। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे कि ग्रेटेड गाजर, कैप्सिकम, बेल पेपर। ये इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। मैं बहुत कम चीज़ों से ये बना रही हूँ। कॉर्न और प्याज के साथ अदरक को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी मैं इसमें 2 ग्रीन चिली को चॉप करके डाल दूंगी। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हो। सॉल्ट 1/4 टीस्पून, अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, चाट मसाला 1/4 टीस्पून। सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे 20 सेकंड के लिए। हाफ टी स्पून के करीब ओरिगानो, और इट्स ऑप्शनल। अगर आपके पास ओरिगानो है तो डालिए, या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसी टाइम आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दीजिए 1/2 चम्मच के करीब। कॉर्न चाट रेडी है, और इसमें अब जाएगा सिर्फ 2 बड़े चम्मच के जितना धनिया के पत्ते। थोड़ा सा धनिया पत्ता मैं रख रही हूँ गार्निश करने के लिए। तो हो गया है स्वीट कॉर्न चाट, और ये बनाने के लिए मुझे 5 मिनट लगा है। तो आप अपने इवनिंग में स्नैक्स की तरह ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चे के लिए बना सकते हैं, या फिर बड़ों को सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये घी में भी बना सकते हैं, अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, और कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगा है। और हाँ, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के मैं इसको सर्व कर रही हूँ।